आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है सूजी का हलवा। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि नवरात्र में इसका प्रसाद भी चढ़ता है, तो चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये रहे इसके इंग्रेडिएंट्स, और अब हम चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। तो सबसे पहले गैस ऑन करके एक पैन गरम कर लें, और पैन के गरम होते ही हम इसमें डालेंगे एक कप सूजी। तो आप जिस भी कटोरी या ग्लास से नाप ले रहे हैं उसी से सारा नाप लेंगे। तो आप सूजी को अच्छे से लो फ्लेम पे भूनेंगे। तो हमें सूजी को तब तक भूनना है जब तक कि ये अपना कलर ना चेंज कर ले और ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। तो आप इसे लगातार इसी तरीके से चलाते रहें। तो सूजी हल्का सा भूनना स्टार्ट हो गया है, तो हम फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे लगातार चलाते हुए। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, अभी इसे थोड़ा सा और भूनना है। तो सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है, आप देख रहे हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम एक बोल में या फिर किसी प्लेट में फटाफट निकाल लें, वरना ये जलने लगता है। तो हमने बोल में सूजी को निकाल लिया है, अब इसको साइड रख लें और सेम पैन पे हम हलवा बनाएंगे। तो वापस से गैस ऑन करें और पैन को हल्का सा गर्म करेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जिस कप से आप सूजी नापते हैं उसी कप से हमें 3 गुना पानी डालना है इसमें, यानी कि अगर 1 कप सूजी लिया है तो 3 कप पानी हमें यूज करना है। और पानी डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेम उसी कप से हम 1 कप चीनी डालेंगे। तो जो इसका मेजरमेंट है वो है 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 3 कप पानी। तो चीनी डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि चीनी हमारे अच्छे से घुल ना जाए पानी में। तो आप फ्लेम को हाई कर दें और चीनी जो है वो अच्छे से घुल गया है। उसके बाद हम डालेंगे सूजी और दूसरे हाथ से इसको मिक्स करते रहेंगे। तो अब हम हाई फ्लेम पे इस सूजी को इस पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। कुछ सेकंड्स के बाद आप देखेंगे कि जो हलवा है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप अभी से देख रहे हैं जो हलवा है वो काफी दानेदार हो रहा है। तो आप इसी तरीके से कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। आप चाहो तो खड़ी इलायची भी यूज कर सकते हैं उसको कूट करके। और इलायची डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें चॉप किए हुए बादाम, नारियल घिसा हुआ, और इन सभी को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको जो भी पसंद हो नट्स आप उसका यूज कर सकते हैं। और इनको डालने के बाद इसी तरीके से लगातार आप चलाते रहें। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे घी, और घी डाल करके हम इसको वापस से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा जो हलवा है वो हो गया है और ये काफी दानेदार बना है। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं और अब हम चलते हैं इसको सर्व करने के लिए। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, एकदम से परफेक्टली बन गया है। तो ये रहा सूजी का हलवा। तो आप भी इसे नवरात्रि में या फिर जब भी आपका मन करे इसे जरूर बनाएं। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया है। तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी कुकिंग।